ओम शांति। आप सबको स्वागत है आपके YouTube चैनल सी द सोल दैट लाइज विद इन में। और आज हम परमपिता परमात्मा के 10 मार्च के श्री वरदान के बारे में चर्चा करेंगे, जहां परमपिता परमात्मा ने संतुष्ट कैसे रहना है और उसकी विधि क्या है उसके बारे में बताया है हम बच्चों को। तो देखें बाबा कहते क्या हैं आज के टाइटल में। बाबा कहते हैं संपन्नता के आधार पर जब हम कंप्लीट फील करते हैं, कंप्लीट किस चीज़ से, यानी कि आपने चीज़ें खरीद ली हैं, आपके पास में धन बहुत हो गया तो आप कंप्लीट फील कर रहे हो। बहुत एक जो कि अल्पकाल की प्राप्ति है उसके बेसिस पे आप कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। तो जब हमारे अंदर गुण हैं, शक्तियां हैं हमारे अंदर जो कि आध्यात्मिक गुण और शक्तियां हैं, तो परमात्मा के द्वारा वो जो मिलती हैं, मेडिटेशन के द्वारा जो मिलती है, वो जब हमारे पास में होंगी तो हम संतुष्ट रहेंगे। तो संपन्नता के आधार पर संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा तृप्त आत्मा भव। संतुष्टता के आधार पर, संपन्नता के आधार पर संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा तृप्त आत्मा भव। विस्तार में चले, जो सदा भरपूर व संपन्न रहते हैं वे तृप्त होते हैं। जिनके अंदर गुण है, जिनके अंदर शक्तियां हैं, वो हर सिचुएशन को फेस कर पाते हैं और उनमें हलचल नहीं आती है, तो वो सदा ही तृप्त होते हैं। उन्हें चाहिए 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 नहीं, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए, मुझे नाम मान शान चाहिए, मेरे को तो कोई देखे, मेरे पास तो कोई आए, मेरे से तो कोई बात करे, मेरी तो कोई महिमा करे, वो तृप्त आत्मा की निशानी नहीं है। चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थितियां उनके आगे लाएं, कोई आपके पास में ऐसी सिचुएशन आए कि आप बिल्कुल असंतुष्ट हो जाओ, आपकी इच्छाएं बहुत ही, लेकिन उस इच्छा के अनुसार आपका जीवन आगे ना बढ़ रहा हो और बहुत सारी परिस्थितियां आ रही हो जो कि आपको असंतुष्ट बनाने के निमित्त हों, लेकिन संपन्न तृप्त आत्मा जो कि परमात्मा के शक्ति और गुण से और परमात्मा के प्रेम से तृप्त आत्माएं हैं, वो कैसे होगा? वो आप जब मेडिटेशन सीखते हैं राजू, उससे आपको मिलेगी वो शक्ति और वो सारे गुण। आत्मा है तृप्त आत्मा, असंतुष्ट करने वाले को भी संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में देगी। ऐसी आत्मा ही रहम दिल बन शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा, ऐसी आत्मा ही रहम दिल बन, उसको रहम आएगा। ये नहीं कि किसी ने आकर के असंतुष्ट करने की कोशिश करी, कोई सिचुएशन ने असंतुष्ट करने की कोशिश करी तो आपने उंगलियां उठानी शुरू कर दी, क्यों किया, क्या किया, कैसे किया। परमात्मा कहते हैं कि व्यर्थ संकल्प जब उठते हैं इसका मतलब आप असंतुष्ट आत्मा हो। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब किया, किसने किया, कहाँ हुआ, क्यों ऐसे क्यों नहीं किया, परमात्मा कहते हैं ऐसे क्वेश्चन पूछने वाली आत्मा कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकती है। तो अगर आपके प्रति कोई ऐसे कर दे कि आपने ऐसे क्यों किया, कब किया, किसने बोला आपको करने के लिए, आपके ऊपर कोई अगर उंगली करे, तो उस समय परमात्मा कहते हैं कि संतुष्टता जो होती है, जो संतुष्ट आत्मा होती है, वह रहम दिल बनती है। आप रहम दिल हैं कि नहीं है आपको पता चल जाएगा। रहम दिल बन शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेगी। कि आपके ऊपर कोई अगर उंगली उठा रहा हो तो आप डिफेंड नहीं करेंगे, आप ब्लेम नहीं करेंगे, आप भी उंगलियां नहीं उठाएंगे, लेकिन आप उस आत्मा को जो उसको कमी महसूस हो रही है आप उसको भी संतुष्ट कर पाएंगे। तो इतनी शक्ति परमात्मा पिता हमें देते हैं जो कि हमें मेडिटेशन, जिसको कहते हैं राजयोग की विधि, जो कि बहुत ही सहज राजयोग है, और परमात्मा से जुड़ना और उनके गुणों को अपने अंदर अपनाना, शक्तियों को अपने अंदर अपनाना जो कि हम सीखते हैं ब्रह्म कुमारी में, वो करके आप आगे बढ़ पाते हैं, उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेगी। रूहानी रॉयल आत्मा की यही श्रेष्ठ कर्म है, जो रूहानी हो और रॉयल हो। जो रॉयल व्यक्ति होता है वो देता है, मांगता नहीं है। तो आध्यात्म में भी आप अगर रॉयल बनना चाहते हैं तो आप गुणों से भरपूर, शक्तियों से भरपूर, आप दाता बनने वाले, देवता गुणों वाले आत्मा बन सकते हैं, जो कि परमात्मा पिता हमें सिखाते हैं कैसे बनना है, ताकि हमें कोई चोट ना पहुंचा पाए, हम संपूर्ण और संपन्न बन जाएं। ये करना कैसे? ब्रह्म कुमारी इसके श्री विश्वविद्यालय में जाकर के आप 7 डेज का साप्ताहिक बेसिक कोर्स लें, उसके बाद में एडवांस शिक्षाएं वहाँ पर लें और आपके अंदर भी शक्तियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। इसी के साथ ओम शांति।